हेलो दोस्तों, फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपके सामने फ्यूरियस जिगर वाला मूवी का रिव्यू लेके आया हूँ। मूवी का नाम तमिल में वैसे थोटा है और हिंदी में इसकी डबिंग फ्यूरियस जिगर वाला के नाम से की गई है। मूवी एक तमिल लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फिल्म है। मूवी की अगर मैं डायरेक्शन की बात करूँ तो इसमें आपको गौतम वासुदेवा मेनन का इसमें आपको डायरेक्शन दिखेगा, जो बहुत ही ज़्यादा डिसेंट और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। साथ ही साथ में अगर मैं आपको कास्टिंग की बात बताऊँ तो इसमें आपको धनुष और साथ ही साथ में इनके फीमेल लीडिंग रोल में मेघा अक्षरा नज़र आएंगी। अगर मैं इसकी स्क्रिप्ट की थोड़ी सी बात करूं तो स्क्रिप्ट एक ऐसे कॉलेज बॉय की है जो एक एक्ट्रेस से प्यार करता है, साथ ही साथ में उससे शादी भी कर लेता है, बट हनीमून की जब बात आती है तो ये लोग ढंग से ना इनकी शादी हो पाती है ना ये हनीमून पे जा पाते हैं। और फिर एक असली कहानी शुरू होती है कि इन्हें जो मेन फीमेल लीडिंग रोल है इसमें उन्हें एक्ट्रेस ज़बरदस्ती बनाया जाता है और जिन्होंने उसका पालन पोषण किया जिन्होंने तो वो उसे वापसी लेके चले जाते हैं। ऐसे ही फिर रोना धोना चलता है, जैसे ही ब्रेकअप के बाद जैसे रोना धोना चलता है, आपने भी देखा और मैंने भी देखा है, तो वही सब चलता है इस मूवी में भी। और फिर 4 साल बाद उसी लड़की का फ़ोन प्रोटैगनिस्ट के पास वापस आता है और ये कहते हुए कि तुम्हारे भाई से मैं मिली हूँ और तुम्हारा भाई खतरे में है। अब कौन होगा धनुष का इसमें भाई? आखिर क्यों वो फ़ोन करके बुला रही है? क्यों मुंबई आए? आखिर इसके पीछे क्या राज है? यही इस मूवी में बताया गया है। मूवी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बट इंटरेस्टिंग और सस्पेंस के अलावा भी जिस हिसाब से इस मूवी का नरेशन किया गया, मुझे लगता है आपको कहीं ना कहीं ये मूवी बोर कर सकती है। बट ओवरऑल आपको धनुष की एक्टिंग बिल्कुल भी बोर नहीं होने देगी, ना ही वो आपको डिसअपॉइंट करेगी। तो एक बार तो धनुष के फैंस के लिए इस मूवी को देखना बनता है। तो अगर आगे जब मूवी बढ़ती है तब ये खुद वहाँ मुंबई जाता है, फिर वहाँ पे सब देखता है आखिर क्या हो रहा है, तो पता चलता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग का रैकेट चल रहा है, साथ ही साथ में गन्स की ट्रैफिकिंग का भी रैकेट चल रहा है। तो उसका पर्दाफाश करने के लिए उसका भाई तो मर जाता है और साथ में उसको एक की दे जाता है कि इससे ही तेरा सारा काम होगा और ये जल्दी से जल्दी पब्लिश कर दियो, ये सब बोलते बोलते। अब इस मूवी में कैसे धनुष हर चीज़ को हैंडल करेगा, किस तरीके से वो आगे बढ़ेगा, यही इस मूवी में मेन दिखाया गया। गौतम वासुदेवा मेनन एक ऐसे डायरेक्टर हैं जिन्होंने अपनी डायरेक्शन को काफ़ी अच्छे से ऑडियंस के सामने पेश किया है, बट कहीं ना कहीं ये मूवी आपको ऐसा भी लगेगा कि ये कहीं नहीं समझ आ रही। तो आपको सबसे पहली बात जो इस मूवी में देखते हुए याद रखनी है वो ये रखनी है कि कैरेक्टर्स के नाम ज़रूर याद रखें इस मूवी में, वरना आपको मूवी बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी। तो सबसे बड़ी बात, अगर मैं आपको कैरेक्टर रिव्यू दूँ तो मुझे सिर्फ एक की एक्टिंग की वजह से मैंने ये मूवी देखी है, वो है धनुष की। एक ऐसे बच्चे का रोल जो इन्होंने यंगस्टर का रोल इन्होंने जिस हिसाब से प्ले किया है, जिस हिसाब से इन्होंने 25-30 साल के आदमी का रोल इस मूवी में प्ले किया है, तो वो चीज़ देखने लायक है। इन्होंने ऑडियंस के थ्रू, ऑडियंस जो इनसे डिमांड करती है, एक्शन भी, रोमांस भी, इमोशंस भी, जिस हिसाब से डिमांड करती है, जिस हिसाब से ये अपनी एक्टिंग स्किल्स को पेश करता है, तो मुझे लगता है इनकी एक्टिंग इसमें भी एक बार देखने लायक होगी। इस मूवी में जिस हिसाब से इन्होंने अपना मेकअप करवाया है, वो भी चीज़ उसकी वजह से भी इनका रोल काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको। बात करें मेघा अक्षरा की, तो मतलब इनका रोल ज़्यादा नहीं दिया, बस ये ज़्यादा से ज़्यादा मूवी में रोते हुए ही नज़र आई हैं। तो ओवरऑल मैं इनके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता क्योंकि इन्हें सबसे ज़्यादा रोल ही नहीं दिया। बात करूँ तीसरा रोल जो बहुत ही ज़्यादा इनका भी कम ही रोल है इस मूवी में, तो वो है शशि कुमार का। इसमें ये ब्रदर का रोल प्ले करेंगे जो एक DCP थिरू बनते हैं, वो एक ऑनेस्ट पुलिस वाले हैं। तो उन्होंने काफ़ी डिसेंट रोल निभाया। मैंने इससे भी पहले उनकी एक मूवी देखी थी जो शायद हिंदी में भी बन चुकी है, मुझे उस मूवी का नाम याद नहीं आ रहा, पर मैंने इनकी काफ़ी सारी मूवीज तमिल में देखी हैं, तो मैं कह सकता हूँ इनकी एक्टिंग भी आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी अगर आप देखें। थोड़ा सा रोल है बट आपको अच्छा लगेगा। तो मूवी की अगर IMDb रेटिंग की बात करूँ मैं, तो IMDb रेटिंग 5.6 की है, जो बहुत ही ज़्यादा अच्छी नहीं मानी जाती। बट ये मूवी सिर्फ स्ट्रिक्टली सिर्फ उन लोगों के लिए जो धनुष की एक्टिंग को पसंद करते हैं। जैसा आपका दिमाग कहे, जैसा आपका दिल कहे, आप वैसे ही जाके इस मूवी को देखिएगा। मूवी YouTube पर हिंदी में अवेलेबल है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपने देखी है मूवी तो मुझे ज़रूर बताइएगा आपको ये मूवी कैसी लगी, और नहीं देखी तो जाके देखिएगा, आपको शायद ये पसंद आ जाए। थैंक यू।